नमस्कार साथियों, आज की वैकेंसी है ग्रामीण क्षेत्र की उन माताओं और बहनों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं और वो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हैं और वो रोजगार की तलाश में हैं। यह वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है या एक जिला स्तर की नौकरी है जिसको आप अपने वार्ड में या ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में रहकर अपने घर से इस नौकरी को आराम से कर सकते हैं। या इसको यूं कह सकते हैं, मतलब जिन औरतों के ऊपर या जिन महिलाओं के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी है और वो कुछ करना चाहती हैं, यह भर्ती उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका साबित हो सकती है। साथियों, यह वैकेंसी निकली है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 51,000 से भी ज्यादा पदों के लिए भर्ती है जो ऑल ओवर यूपी की महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सी योजनाएं होती हैं जिनको ग्रामीण क्षेत्र में हर निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ वर्कर्स की जरूरत होती है, तो ये वही वर्कर्स हैं जिनके लिए भर्ती की जा रही है। मुख्यतया मतलब महिलाओं तक इन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए इन वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि भर्ती निकली है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। इन तीन पदों पर 51,000 से ज्यादा पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इस वीडियो को स्किप मत करें और इस वीडियो को हर उस महिला तक पहुंचाएं जिसको इस नौकरी की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। तो मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो 8वीं, 10वीं और 12वीं पास महिलाएं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अभी बात करें चयन प्रक्रिया की, तो इसकी चयन प्रक्रिया बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें ना ही कोई लिखित परीक्षा होनी है, ना ही इसका कोई इंटरव्यू होना है। मतलब जो हमारी माताएं बहनें 12वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, उनका सिलेक्शन इस भर्ती में सिर्फ और सिर्फ उनकी मार्कशीट के नंबर के हिसाब से, मतलब मेरिट बेस पे यह भर्ती बनेगी। मगर उसमें एक शर्त रखी गई है कि जो महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे आती हैं, मतलब जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनको इस भर्ती में मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। और नंबर दो, जो हमारे वार्ड की या ग्राम सभा की महिलाएं जो विधवा हैं और जो तलाकशुदा हैं, अगर वो 12वीं पास हैं तो इस भर्ती में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो अन्य औरतें हैं, मतलब जो इन तीन कैटेगरी में नहीं आती हैं, उनको इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, तो जो भर्ती कमेटी है सबसे पहले उस ग्राम सभा में या वार्ड में इन तीन तरीके की महिलाओं को मतलब सर्च करेगी। ये तीन कैटेगरी में आती है तो ये नौकरी उनको दे दी जाएगी। अगर ये तीन तरीके की महिलाएं नहीं मिलती हैं तो जो अन्य कैटेगरी की महिलाएं हैं, मतलब जो नॉर्मल कैटेगरी में आती हैं और वो 12वीं पास है, तो फिर उनका मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यह भर्ती ग्राम विकास अधिकारी और एडीएम की सदस्यता में की जाएगी। इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा मतलब हमारे समाज की उन सभी गरीब और दबी कुचली महिलाओं को रोजगार देना है जिनके पास कोई भी सहारा नहीं है। अगर अभी बात करें इसमें आयु कितनी है, तो इसमें एज क्राइटेरिया है, इसमें 18 से 45 साल तक की सभी वर्ग की सभी महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अभी इसमें बात करें वेतन की, तो दोस्तों इसमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है इनका वेतन है 7500 रुपए, और जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है इनका 6500 6500 रुपए, और जो सहायिका है इनको 3750 रुपए मिलेगा। मैं आपको बता दूं, यह कोई फिक्स वेतन नहीं होता है, इसको प्रोत्साहन राशि गवर्नमेंट की तरफ से बोला जाता है, जिसको मानदेय भी हम कह सकते हैं। इनको प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया जाता है, मतलब इस गवर्नमेंट का भी काम कर रही है और गवर्नमेंट उसके बदले इनको थोड़ा सा पैसा दे रही है, जिससे घर पे रहकर अपना खर्चा मतलब निकाल सके। अभी मैं आपको बता दूं इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, यह फॉर्म ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके फॉर्म 21 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2023 है। इसलिए इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मगर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस फॉर्म को अपने मोबाइल से स्वयं खुद ना भरें, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी जानकारी होती है जिनके बारे में पूछा जाता है और हम उनको गलत सलत भर देते हैं, जिससे उसके बाद हमें जो मेरिट बनती है तो बहुत सी प्रॉब्लम आती है और हम मेरिट से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आप इस फॉर्म को अपने नजदीकी इंटरनेट कैफे से या फिर ग्राहक सेवा केंद्र से जाकर भरें, और अपनी सुविधा के लिए आप इसको अपने तहसील में जाकर भी इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी इस भर्ती से संबंधित, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं समय समय पर इसी प्रकार की भर्तियों के बारे में आपको सूचित करता रहूंगा। अभी खत्म करते हैं इस वीडियो को और जल्द ही मिलता हूँ नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।